हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लाई हूँ कि आप किस तरीके से अपने चेहरे को इंस्टेंटली फेयर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को गोरा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप पार्लर में जाके बहुत ही महंगे महंगे फेशियल करा के आते हैं लेकिन उससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता होगा और आप ये देखकर निराश हो जाते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया है और हम इतना महंगा फेशियल करा कर आए हैं। फिर आप अगली बार और उससे महंगा फेशियल करा कर आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ग्लो दिखता है, लेकिन फ्रेंड्स इससे होता क्या है कि हमारी स्किन जो है बाद में आके हमारी स्किन पर बहुत छोटे छोटे रोम छिद्र हो जाते हैं जिससे कि हमारे स्किन पर झाइयां और झुर्रियां आ जाती हैं। तो आपको फ्रेंड्स मार्केट के जो फेशियल होते हैं आप बहुत ही कम कराना चाहिए और आपको घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये रेमेडी इतनी ज्यादा खास है कि आप इस रेमेडी से आपके चेहरे की जो डल स्किन है उसको ही चमकदार बना देगा, आपके चेहरे पर जो रोम छिद्र की परेशानी है उसको खत्म कर देगा, साथ ही अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल है उन तक को खत्म करने में उसका बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में हम सबसे मेन चीज का इस्तेमाल जो करने वाले हैं वो है हनी। फ्रेंड्स, हनी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और इसका फेशियल हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका फेशियल इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे पर गोल्डन ग्लो निखार आता है जो कि हमारे चेहरे पर बहुत जरूरी होता है होना। अगर हम इसका फेशियल करते हैं तो हमारा स्किन टोन जो होता है वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको एक बाउल में एक चम्मच शहद लेना है कि देखिए इस तरीके से। फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊं आपको उस तरीके से इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज हम यहाँ लेंगे वो सबसे मेन है, वो है पोटैटो। तो आपको एक आलू लेना है और इसको आपको दो हिस्सों में इस तरीके से काट लेना है, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। फ्रेंड्स, फेशियल स्टेप बहुत ज्यादा होते हैं और हमें उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको ये सिर्फ दो स्टेपों में बताऊंगी जिससे आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ना तो आपको इसका कोई झंझट करना है, ना ही आपको ये बहुत समय पहले से आपको ये करना है। सिर्फ आपको ये दो स्टेप करने बहुत ही आसान से जिससे कि आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर ग्लोइंग और डार्क सर्कल फ्री बना सकते हैं। तो आपको इसमें से एक आधा पोटैटो लेना है और इस तरीके से आपको पोटैटो पे हनी इस तरीके से लगाना है, देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं और उसके बाद आपको इसे अपने पूरे फेस पर इस तरीके से मसाज की तरह इसको आपको लगा लेना है, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से करते रहना है और आपको इस तरीके से 7 से 8 मिनट तक करना है अपनी पूरी स्किन पर और जहां पर आपके डार्क सर्कल है वहां पर तो आपको सबसे ज्यादा करना है। फ्रेंड्स, आलू वैसे तो एक सामान्य सब्जी है पर हमें से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि इस सब्जी की सहायता से आपकी सुंदरता में भी निखार आ सकता है। आलू में विटामिन सी भी पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी काफी मात्रा में मौजूद होता है। ये सभी आपकी त्वचा और शरीर के लिए काफी आवश्यक तत्व होते हैं। फ्रेंड्स, आलू के बारे में कॉमन परसेप्शन यही है कि इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है और ये स्टार्च जो है फ्रेंड्स वो आलू के रस में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जिस तरीके से आप इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो आलू का रस जो है वो धीरे धीरे निकलता रहेगा जिससे कि आपकी स्किन पर ये अप्लाई होगा। और इसमें फ्रेंड्स विटामिन सी भी होता है जो आपकी स्किन को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आलू के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है, इसी की वजह से जब आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो वहां से सारी की सारी टैनिंग खत्म हो जाती है और नीचे से आपकी मिल्की व्हाइट स्किन निकलती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको ये करते रहना है जब तक कि 7 से 8 मिनट नहीं हो जाते, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और यहाँ पे मैं फर्क खुद देख पा रही हूँ किस तरीके से मेरी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो गई है। तो अब इसका हमें सेकंड स्टेप बनाना है, तो उसके लिए आपको बाउल में एक चम्मच हनी डाल लेना है। तो फ्रेंड्स, हम इसी के अंदर हनी डाल लेते हैं, ये हनी हमारा बच गया था। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज हम यहाँ डालेंगे इसमें वो है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लूंगी, देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और यहाँ पे लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी वो है चावल का आटा। और अब लास्ट में हम इसमें रोज वाटर इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस पैक में हमारी एक तो मसाज क्रीम बनकर रेडी हुई है, दूसरा हमारा फेस पैक बनकर रेडी हुआ है। तो आपको ये किस तरीके से अप्लाई करना है जिससे कि आप इससे मसाज भी कर सके और इसको आप पैक की तरह भी लगा सके। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको इस तरीके से लेना है और आपको इसे अपने पूरे फेस पर, नेक पर आपको इस तरीके से लगा लेना है, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। और ये फेस पैक आपको नीचे से ऊपर की ओर लगाना है ताकि आपकी स्किन जो लटकी हुई है या फिर ढीली है
तो वो आपकी स्किन इससे टाइट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इस पेस्ट में एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, एलोवेरा का इस्तेमाल करने से हमारा चेहरा जो है वो मॉइस्चर होता है, जिससे कि हमारी स्किन सर्दियों में फटेगी नहीं। दूसरा, ये एक मसाज क्रीम की तरह काम करेगा आपकी स्किन पर। और फ्रेंड्स, एलोवेरा बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो आपकी त्वचा पे जो झुर्रियां और झाइयां आ जाती है उनको हटाने का काम करती है और चेहरे पर एक नया ग्लो लाती है। तो आपको ये 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगे रहने देना है, और आपको ये तब तक लगे रहने देना है जब तक कि हल्का सा सूख नहीं जाता, यानी कि पूरा आपको इसे नहीं सुखाना है, हल्का सा ही गीला होना चाहिए। उसके बाद आपको इसे मसाज करते हुए आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको इसे रिमूव कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तो आपको इसे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रिमूव करना है। उसके बाद आपको अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ पर अभी फर्क देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क आ गया है। मैं यहाँ पे फर्क खुद देख पा रही हूँ कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो गई है इसको यूज करने के बाद। आप भी फ्रेंड्स प्लीज इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करिएगा। ये फेशियल बहुत ही अच्छा फेशियल है। इसमें हमने दो स्टेपों में इसमें सारा काम कर लिया। पहला हमने क्लींजिंग और स्क्रब की तरह हमने काम किया, जो हमने पोटैटो की सहायता से किया था। दूसरा हमने मसाज और पैक लगाया, जो कि हमने दूसरे स्टेप में किया था। तो आपको फ्रेंड्स सिर्फ दो स्टेप से आपको ये बहुत ही बढ़िया फेशियल कर लेना है, और आप देखेंगे इसको यूज करने के बाद आपके चेहरे पर एक अद्भुत गोल्डन ग्लो निखार आएगा, जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को वीक में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करिएगा, और आप अपने चेहरे पर खुद फर्क देख पाएंगे कि आपको इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि जब भी कोई आपकी नई वीडियो लाऊंगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।